आज वर्ग सप्तम में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक डायनेस्टी में फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक गद्दी में बैठा रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद वो उसे गद्दी प्राप्त हुई। फिरोज शाह तुगलक का जो समय था वह शांति का समय था और बहुत सारे विकास के कार्य भी फिरोज शाह तुगलक ने किए। खेती को इम्प्रूव किया, टैक्स को कम किया, बहुत सारे मकबरे मदरसे उन्होंने बनवाए। ये बिल्ट ए न्यू कैपिटल ऑफ दिल्ली एट दिल्ली एंड नेम्ड इट फिरोजाबाद। अब फिरोज शाह कोटला मैदान के नाम भी सुने होंगे आप। फिरोज शाह के बाद उसके जो बाद के जो शासक हुए वो कमज़ोर शासक हुए, इसलिए वो तुगलक डायनेस्टी का यहाँ पर खात्मा हो जाता है। इसी समय तैमूरलंग 1398 भारत पर आक्रमण करता है। सेंट्रल मध्य एशिया से आया था तैमूरलंग ने दिल्ली में 1398 में आक्रमण किया, उसे लूटा। पूर्व के गजनी और गजनी की तरह ये भी लुटेरा ही था। लौटते समय मेरठ, हरिद्वार, नगरकोट और जम्मू को भी ये लूटा। अपने साथ यह बहुत सारे धनराशि ही नहीं ले गया बल्कि कलाकारों को भी यहाँ से ले गया समरकंद। तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में आप देख पाते हैं। तैमूरलंग की मृत्यु 1405 में हो चुकी थी और तुगलक डायनेस्टी में ही खिरज खां ने कमज़ोर तुगलक शासकों को मार के 1414 में खुद को सैयद डायनेस्टी के रूप में एक नई डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा। उसकी मृत्यु 1421 में हुई। उसके भी बाद के जो शासक हुए वो कमज़ोर रहे। इस तरह से सैयद डायनेस्टी के भी खात्मा 1491 ईस्वी में 1451 में हो जाता है। उसके बाद आता है भारतीय दिल्ली शासकों में लोधी डायनेस्टी, जिसमें बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ये सब अफगानी शासक। बहलोल लोधी ए अफगान ऑफिसर रोज टू ग्रेट प्रोमिनेंस एंड बिकम द गवर्नर ऑफ पंजाब। बाद में ये दिल्ली पर आक्रमण कर दिल्ली को भी अपने अधीन कर लिया और लोधी डायनेस्टी के नाम से नया सुल्तान सल्तनत डायनेस्टी के नींव रखी। उन्होंने 38 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद सिकंदर लोधी हुए। उन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा ले गया ताकि शासन ठीक से कर सकें। जितने भी लोधी किंग हुए, तीन प्रमुख जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये सभी अफगानी थे। ए पावरफुल अफगान नोवेल, इसी में से एक लोधी सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी बैठा शासक। आपस में कटुता के कारण दौलत खान लोधी ने बाबर को, जो कि तैमूरलंग का अगला पीढ़ी था, बाबर को भारत में इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बुलाया और इसमें 1526 का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। उस युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार हुई और बाबर की जीत हुई। इस प्रकार से सल्तनत डायनेस्टी का खात्मा यहाँ पर इब्राहिम लोधी के हारने के साथ ही हो जाता और एक नई डायनेस्टी मुगल डायनेस्टी का शुरुआत होती है 1526 से। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, मुगल डायनेस्टी के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।